एक्टिव मूड में आए टोहाना के सिटी थाना प्रभारी। दुकानदार बोले कहां से भरेंगे बिजली का बिल और दुकानों का किराया। सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र ने कहा कि सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, अन्यथा की जाएगी कार्यवाही। टोहाना के सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र अपनी टीम के साथ बाजार में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार जो दुकानदार है उनको चेतावनी देने के साथ साथ मास्क भी दिए जा रहे हैं। जिस दुकानदार के पास मास्क लगाया हुआ नहीं मिलता, उन्हें मास्क दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरे दल बल के साथ जो है पूरे बाजार के अंदर सिटी थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर जो है पूरे बाजार का मुआयना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नया बाज़ार की आप जो टीवीएन न्यूज़ पर तस्वीरें देख रहे हैं। इसके अलावा वाल्मीकि चौक से होते हुए बस स्टैंड की और पूरे टीम के साथ सिटी थाना प्रभारी निकले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दुकानदार है जो व्यापारी है उनके साथ जो है बातचीत करके उन्हें समझाया जा रहा है। इसके अलावा सख्त कार्रवाई करने की बात भी टोहाना के सिटी थाना प्रभारी के द्वारा कही जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो फ्लैग मार्च के रूप में यहाँ पर सिटी थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ लगातार टोहाना शहर के नया बाज़ार में जो है चेक कर रहे हैं। सिटी थाना प्रभारी का कहना है कि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उनका सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा। जो बाहर बैठे हुए मिलते हैं उन्हें समझाया जाता है। इसके अलावा सख्त चेतावनी भी जो दी जा रही है कि आप बेवजह बाहर न निकलें। इसके अलावा जिन दुकानदारों को परमिशन है दुकान खोलने की, उन्हीं को दुकान खोलने की इजाज़त है। इसलिए दूसरे कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन न करें, क्योंकि सरकार के आदेश है। कोरोना महामारी के चलते सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पालन सुनिश्चित करवाया जाएगा, ये कहना है सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र। आपको बता दें कि सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कार्यभार संभाला है। इनसे पहले सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्रा यहाँ पर थे, अब जो है नए सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र ने अपना यहाँ पर कार्यभार संभाला। और आप देख सकते हैं शहर में बस स्टैंड की तरफ जो रोड जाता है उसकी तरफ जो आप देख सकते हैं दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं कि किस प्रकार जो गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। तो तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं और सिटी थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ, और हम बात भी करना चाहेंगे टोहाना के सिटी थाना प्रभारी जो सुरेंद्र है अपनी टीम के साथ यहाँ पर दुकानों का मुआयना कर रहे हैं। तो हम सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र से बात करना चाहेंगे कि उनका ये अभियान कब से चला है और ये कब तक चलेगा। तो आइए सुनते हैं सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र क्या कहते हैं। क्या कहना चाहिए लोगों को, ये समझाया जा रहा है जिसके पास दुकान का जो समय दिया गया खोलने का उसी समय पे दुकान खोले अपनी, उसके अलावा अगर कोई खोलता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर टोहाना के नए बाजार की बात करें तो पुलिस के जाते ही दुकानें खुली रहती हैं, आप दुकानदारों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे सर? उनको ये चेतावनी दी जा रही है आप अपने घर रहो, सुरक्षित रहो, बिना कारण घर से बाहर मत निकलें। अगर बाहर आपको कोई जरूरी काम है तभी घर से निकले और मास्क का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें। तो सर आप जैसे बाजार से होते हुए आए हैं तो कितने मतलब आपको रिस्पांस मिला सर? उल्लंघन करता हुआ मिलता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को ये संदेश देना चाहिए कोविड की महामारी है ये किसी को नहीं देखी है, तो इसकी आप रखते हुए आप अपने घरों पर रहें, बिना कारण घर से बाहर मत निकलें। मास्क के चलान की बात करें, वाहनों के चलान की बात करें तो क्या लगातार जारी है अभियान? क्या ये अभी लगातार जारी रहेगा अभियान? मैं पिछले 3 दिन से यही हूँ, 3 दिन से ये काम कर रहा हूँ, लगातार ये चलान जारी है। जो भी इसका कानून की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।